हेलो फ्रांस, बोल दो एक बार। हेलो फ्रांस, चाय पी लो। हाय एवरीवन, इट्स मी आदर्श एंड वेलकम टू माय चैनल। आज 1st of December है, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग एक्चुअली कर रहा हूँ क्योंकि बीच से कहीं जा नहीं रहा था और आज फाइनली एक ट्रिप बनाया हूँ। एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने कॉल किया मुझे जस्ट एक घंटे पहले और बोला ट्रिप के लिए, तो मैंने बोला ओके, सडन प्लान्स आर ऑलवेज द बेस्ट। सो आज हम लोग पास दो बाइक है, एक मेरी अपाचे एंड सेकेंड KTM ड्यूक 200। सो आज हम लोग जा रहे हैं पवना लेक एंड टिकोना फोर्ट। सो चलो चलते हैं। ओके गाइस, फाइनली मैं अपने दोस्त के हॉस्टल पहुंच चुका हूं अभी। और क्या लेट किया लड़के ने, अभी 12:30 हो रहे हैं, 12 बजे का निकलने का प्लान था और अभी 12:30 बजा दिए। देखना चाहोगे सारा लेट तो किया हुआ इसके, इस, लेट इस, इसके कारण है, इसके कारण। इसका नाम सारांश और ये विवेक। और अभी एक और बंदा जो ड्यूक का मैंने बताया था, उस बंदे को आना अभी बाकी है। तब तक वेट And looks are weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. And underneath the rows of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Your toes, the fire grows. You are ready for a different kind of life. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. You're silent for the wind is calling. You must return to the wild. So guys, we finally reached Tikona. और अगर आप कभी भी इधर आओ तो आप यहाँ पे इन भैया के पास अपना सामान रख सकते हो। थोड़ा ये लड़का पूरा रेडी हो गया है, आ जाओ भाई, ऊपर जाके साफ सफाई करेगा। साफ सफाई करने के लिए रेडी है। सो वी पार्क डावा बाइक है, तब तक बाइक्स की एक शॉट दिखाता हूँ। Standing underneath the rows of trees, I can see where the ocean meets the sky. Under our clothes, a fire grows. We are ready for this life of running wild. We're running wild. Underneath the rows of trees, I will see where the ocean meets the sky. Under your toes, a fire grows. You are ready for a different kind of life. लोग क्या क्या कंप्लेंट कर रहे हैं भाई महाराष्ट्र वाले, फोर्ट को गंदा करते हैं आके लोग साले। इसके जैसे लोग रहते हैं ना, सारे डस्टबिन में नहीं डालते, कचरा यहाँ पे डालते हैं। लोग किसकी तरह लोग, बहुत ऊपर पहुंच गया।
भाई थक गया। कितना बंदा है ये। To pray today, but no one's listening anymore. Do I need to fade away or stay laying down on the floor? I want to know if you be the shoulder that I need. I want to go to take me to Neverland. Find a way. Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed. I want to know. काफ़ी धूप है यार, और मेरे को तो ट्रैकिंग की आदत नहीं है। शायद सेकंड टाइम होगा लाइफ में। हालत ख़राब हो गई इतने में तो। चलो अभी और ऊपर चलना। अभी मिल गया मेरे को, तू भी ना। अभी एक फ़ोटो सेशन का स्टॉप मिला, बहुत अच्छा सा यहाँ पे। और ये सेल्फी लेते हुए पकड़ा है, सेल्फी लेते हुए तीन लोगों की मौत। यहाँ पे हो जाएगा सेल्फी स्टैंड। अज्ञात दोस्त ने दिया धक्का। अज्ञात दोस्त ने दिया धक्का। ऐसे नहीं बनती। रुक 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 रुक, अबे सब ऐसी रहो, सभी तू भी वैसी रहे। यस तू भी वैसी रहे। हम लोग को अभी तक यहाँ पे आए, एक घंटा हो गया और अभी तक फोटो सेशन चल रहा है। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, अभी तक नहीं रुक रहा है क्योंकि कुछ ज्यादा ही गंदे लोग हैं तो उनकी फोटो खींचने में टाइम लग रहा है। फोटो खींचने में टाइम लग रहा है भाई। हो गया कर दे भाई। अच्छा ही वहाँ स्टॉप पे जाना। हाय से, आगे से ले। वो हनुमान मंदिर का कि बस मैक्सिमम आप 200-300 मीटर और आ सकते हो, उसके बाद फिर अभी कुछ दिनों के लिए ये टॉप बंद है। आप देख सकते हो वहाँ पे काम चल रहा है, ऊपर स्टेयर्स बना रहे इसलिए वो बंद किया है। और ये है फोर्ट, जाने का तो बहुत मन था बट सो फार सो गुड, इस बार नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा, फिर जाऊँगा। अब चलते हैं पौना लेक। ऑलराइट गाइस, अब हम लोग फाइनली नीचे जा रहे हैं। तो ट्रैक बहुत इजी है, अराउंड आधे से 40 मिनट्स में तो पूरा ट्रैक खत्म हो जाएगा। बट अभी वहाँ ऊपर बंद है इसलिए हाफ ही समझ लो, उसके बाद फिर ऊपर शायद 500 मीटर और है
बस गाइज, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है इस फोर्ट की तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। हमारी एंट्री की थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से हिस्ट्री बताई है, बट हिस्ट्री मराठी में है, सो अगर समझ में आए तो समझ लेना, बट बहुत अच्छी है। मैं वो अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। और उतरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कुछ अराउंड 15-20 मिनट लगे बस उतरने में, तो कुछ बहुत हार्ड ट्रैक नहीं है, बट या बहुत मज़ा आया। लेकिन और अभी हम लोग वहाँ से निकल के पापना लेक जा रहे हैं, तो उसके लिए बीच में हम लोगों ने स्टॉप लिया, और स्टॉप पे यहाँ पे हम लोग आए कुछ खाने के लिए। हम लोगों ने भजिया वगैरह कुछ ऑर्डर किया और चाय, मैंने मुझे चाय ऑर्डर किया। हेलो फ्रेंड, बहुत से लोग लो भाई चाय लो, इसके बढ़ने फिर जाते टाइगर थे। हेलो फ्रांस, बोल दो एक बार। हेलो फ्रांस, चाय पी लो। हम लोग दूसरी साइड से जा रहे हैं, ये साइड थोड़ी सी रोड खराब है क्योंकि वहाँ पे बाइक पार्क करने के बाद पैदल जाना पड़ता है, बट हम लोगों को जाना है बाइक से। गाइज एक बात बताता हूँ, हम लोग 4:30 बजे यहाँ आए थे, तो हम लोगों ने सोचा था अराउंड एक भज्जी खाएंगे और एक एक चाय पियेंगे फिर यहाँ से चले जाएंगे, बट लास्ट में 4 भज्जी और 8 ग्लास चाय पीने के बाद अब हम लोग 5:30 बजे जा रहे हैं। काफ़ी लेट हो गया, सनसेट होने वाला है और इसके बाद अब एक टाइम लैप्स देखना। गाइज मैंने बोला था अबाउट द टाइम लैप्स, बट आई डोंट थिंक टाइम लैप्स बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा क्योंकि सनसेट हो चुका है, बट जो भी मैं दिखा सकूँगा मैं दिखा दूंगा। और यहाँ का क्या व्यू है यार, कभी घूमने आ सकते हो, बट बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अभी तो ऑफ सीज़न है, दिसंबर लास्ट में सीज़न आ जाएगा तब तो और अच्छा लगेगा। और कभी यहाँ पे टेंट में रहने भी अलग एक्सपीरियंस होता है। देखो सारी टेंट्स कितनी सुंदर लग रही हैं। इधर बोटिंग भी होती है। गाइस टाइम लैप्स कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके बताओ। और अब डायरेक्ट यहाँ से पुणे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक थम्स अप दो, नए हो सब्सक्राइब करो, एक बहुत टाइम है, बहुत लंबा जर्नी है। सो बाय, टेक केयर।